चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हम बता ही चुके हैं और यह बताते रहते हैं कि जब भी वीडियोस की शुरुआत करते हैं तो ब्रीफ डिस्कशन देते हैं कि पहले हम लोग कर क्या रहे हैं। मावला क्लासेस की ये सीरीज़ में हम लोग एक टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक में कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर देते हैं पार्ट वाइज। तो इसके बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग पहले ही दे चुके हैं, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं। आज के वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, सर्कम सेंटर का एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे इजीली लगाते हैं शॉर्टकट से वो देखेंगे। उस क्वेश्चन के आधारित क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देंगे, आप उसको ट्राई करेंगे और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने पूरा प्रोसेस समझा तो क्वेश्चन उस टाइप का कहीं पर भी आए, सरकम सेंटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आप उसको इत्मीनान से लगा देंगे। सरकम सेंटर का ट्रिक्स पे वैसे क्वेश्चन से पहले देख दे चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हमने ऐसा ट्राइंगल लिया है जो नॉर्मल ट्राइंगल है, ना जो राइट एंगल है ना इक्वलेटर है, मतलब किसी भी ट्राइंगल में ये ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चंस में वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ये लिए गए हैं, तीन वर्टाइसेस आपके सामने हैं, आपको सरकम सेंटर निकालना है। तो ऑप्शंस को एक बार ध्यान दे दें कि ऑप्शन की भी हम लोग हेल्प लेंगे, हमें निकालना क्या है सरकम सेंटर। देखते चलें सरकम सेंटर होता क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, मतलब जैसे कि यहाँ दिखाया गया एक साइड बाई सेक्टर कि वो आधा आधा कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, उस जरूरी नहीं कि वो सेंट वर्टाइसेस से पास होके जाए, ठीक है। अब देखिए एक ट्राइंगल हमने लिया जिसकी वर्टाइसेस जो दी गई हैं वो वर्टाइसेस आपके सामने ली। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन आप बी सी निकाला, अगर आपको इक्वेशन आप बी सी नहीं निकालना जानते हैं तो हमने यहाँ पर दर्शाया है, पॉइंट आउट किया कि दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का समीकरण, क्योंकि यहाँ दो पॉइंट ए और बी और सी ले रहे हैं, ऐसे यहाँ दो पॉइंट लिए गए हैं एक्स वन कहाँ वाई वन एक्स टू वाई टू, उनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, आप इस फार्मूले को देख लिए। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको एक्स वन कहा वाई वन माना, इसको एक्स टू कहा वाई टू, फार्मूले में एज इट इज़ वैल्यूज को रख दिया, तो वाई माइनस टू बराबर फोर माइनस टू, देखो टू यहाँ पर आ गया, वाई टू यहाँ है तो फोर आ गया, और वाई वन यहाँ है तो यहाँ आ गया, एक्स टू थ्री है और एक्स वन फाइव है और एक्स माइनस फाइव, इसको सॉल्व किया आपके सामने स्टेप्स हमने दिखाए हैं और फाइनली हमारी लाइन क्या आई x प्लस वाई बराबर सेवन। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप सारे स्टेप्स को देख सकते हैं, अप्लाई कैसे किया आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन ऑफ बी सी यहाँ निकाल ली। अब हमने दूसरे फिगर में दिखाया है कि बी सी के परपेंडिकुलर एक रेखा निकालनी है, बट वो ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट से पास हो, क्योंकि परपेंडिकुलर साइज बाई सेक्टर, वो आधा आधा भी करे और साइड को आधा आधा करे और साइड के लिए परपेंडिकुलर भी हो। एल्टीट्यूड जो होता है वो वर्टाइसेस से पास होकर आता है, जिसे यहाँ दिखा रहे हैं, वर्टाइसेस से पास होगा सामने वाली भुजा के परपेंडिकुलर होगा, तो एल्टीट्यूड केवल क्या करता है सामने वाली भुजा के परपेंडिकुलर, साइड बाई सेक्टर क्या करता है कि आधा भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो मिड पॉइंट ले लिया हमने, जैसा कि पता ही है कि दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड और एक वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड। अब हमने यहाँ पर दिखाया है कि किस कोई भी लाइन आप लें और उसके परपेंडिकुलर लाइन निकालना हो तो बताया गया था पहले भी और अभी भी बता रहे हैं कि एक्स और वाई के कोफिशियंट इंटरचेंज करिए और उनके साइन को अपोजिट कर दीजिए और कॉन्स्टेंट या लैम्डा मान लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी की, हमें एक्स प्लस वाई इक्वेशन टू सेवन, मतलब इक्वेशन ऑफ बी सी है जो दी गई है उसके परपेंडिकुलर रेखा निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई के कोफिशियंट वन वन है तो इंटरचेंज होंगी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं दिखाई पड़े, बट साइन को चेंज किया और सेवन की जगह लैम्डा मान लिया, वो यहाँ माने या यहाँ माने उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब लैम्डा अगर हम इसको मिटा के ध्यान दें, अगर लेमडा आपने यहाँ मान लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ऐसा करके देखेंगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा, आप कर सकते हैं, हमने लेमडा यहाँ मान लिया। अब हमारा मिड पॉइंट से पास होना है, वो लाइन क्या है मिड पॉइंट से पास हो रही, तो फोर कामा थ्री से पास कराने का मतलब है एक्स और वाई की जगह लाइन पास करने का मतलब होता है कि आप उस करेंट कोआर्डिनेट को लाइन में रख दीजिए, एक्स और वाई की जगह रख दिया, लेमडा की वैल्यू माइनस वन आ गई, ये लाइन आ गई। अब यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, और भी होंगे ऐसे, बट हमें एक आ गया तो एक पे ही ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ऑप्शन सेटिस्फाइड करेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन आपके सामने, टाइम बर्बाद ना हो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप चाहें तो बाकी लोग भी सेटिस्फाइड करके देखें, नहीं होंगे ये देखेंगे, तो तेरह बटे चार, तो यहाँ पे चार एलसीएम लेंगे, फोर तेरह माइनस नौ माइनस चार, तो तेरह माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन बाई फोर क्या आया जीरो, इसका मतलब सरकम सेंटर हमारा ये हो गया, ठीक है। डेक्टो आप कहीं पर भी, बस थोड़ा शॉर्ट और हो सकता है लाइन की इक्वेशन निकालने में, हम शॉर्ट कर देंगे आगे, और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, वो शॉर्ट कर देंगे परपेंडिकुलर लाइन, बाकी इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं हो सकता है, अगर वो मिले हमने बोला, मगर ये ध्यान रखें हम पहले वीडियो बना चुके हैं इक्वलेटर ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उनको छोड़कर अगर कोई नॉर्मल आप ट्राइंगल लेंगे उसमें सबसे सबसे उम्दा ट्रिक यही है, सबसे कम टाइम लेने वाली, कोई फार्मूला नहीं है इसका। तो आप इसको लगाएं और क्वेश्चंस जो अभी दिए जा रहे हैं उनको भी अटेम्प्ट करें, ट्राई करें। सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर से बच्चा डर जाता है, एक बड़ा सा नाम है, ऐसा कुछ है नहीं। इस वीडियो में हमने ऐसा प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो टॉपिक के एंड में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आप उनको नोट कर लें। 5 क्वेश्चंस हैं, बाकी अच्छे से आप नोट कर लें और सॉल्व जरूर करें। आप सॉल्व नहीं करते हैं तो इससे, अब सॉल्व करते हैं पता नहीं चलता है आप, क्योंकि लिखते नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं देते हैं। ऑप्शंस देखें, दूसरे भी ऑप्शंस देखें, थोड़ा सा वहाँ पे खुद का कंपटीशन बनाएंगे। मैंने बोला कि हमारा इस तरीके इस एंड पे है, आप उस एंड को संभालिए, तभी जाके सब कुछ सही चल पाएगा। और होप सो आगे आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और ठीक है, थैंक यू।